हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित प्रजापति आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। बहुत अच्छी ट्रिक लेके आया हूं मैं आज की वीडियो में। ये ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो गेमिंग करते हैं या चैट वैट करते हैं, या अपने बॉस से, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बचने के लिए अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड लगा के अपने फ़ोन को चलाना चाहते हैं। मतलब आप किसी भी तरीके से इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है आप लोगों के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर वॉइस में थोड़ी बहुत दिक्कत लगे आप लोगों को तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कुछ टाइम से मुझे कोल्ड हो गया है, उसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई है। मैं फेस कैम भी नहीं कर पा रहा हूँ इसकी वजह से। बाकी जल्दी ही मैं ठीक हो जाऊँगा तो फेस कैम करूँगा। अभी फ़िलहाल अगर वॉइस में कुछ दिक्कत हो तो उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करना फ्रेंड्स। बाकी इस वीडियो में आप लोगों को आज बताऊँगा अपने फ़ोन में एरोप्लेन या फ्लाइट मोड लगा के आप लोग कैसे अपना नेट यूज़ कर सकते हैं, अपना डाटा यूज़ कर सकते हैं बिना किसी के कॉल के, डिस्टर्बेंस के। तो आज की वीडियो में यही आप लोगों को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और आप लोगों को करके बताता हूँ कि इस ट्रिक को कैसे करना है और कैसे इसको सेट करना है अपने फ़ोन में। फ्रेंड्स, इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहली ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपको अपने फ़ोन से कोड डायल करना होगा। कोड ये होगा आपका *#4636#*#*। इसे डायल करने के बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसा पेज आपके फ़ोन में खुल जाएगा, इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा आपके फ़ोन में। और उसके बाद मोबाइल रेडियो पावर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा नेट ऑन हो जाएगा। या तो फ्रेंड्स आप सिंपली ऐसे डायल करके, आपके फ़ोन में अगर ये फीचर ओपन हो जाता है डायल करने से *#4636#*#*, अगर ये डायल करने से आपका ये पेज खुल जाता है तो वेल एंड गुड है। किसी किसी फ़ोन में ये सपोर्ट कर जाता है तो उनके लिए अच्छी बात है, अगर जिसके फ़ोन में ये नहीं सपोर्ट करता है तो उसके लिए भी मैं एक और ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से लगभग हर किसी के फ़ोन में 100% चलेगा। तो दूसरी ट्रिक मैं आपको करके बताता हूँ। और फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक करें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, ट्रिक टू बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये तो आपके फ़ोन में 100% वर्किंग करेगी। उसके लिए आपको अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जिसके फ़ोन में वो डायल करने से ही ओपन हो गया उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ऐप की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिसके फ़ोन में नहीं हुआ है तो उसके लिए ये ट्रिक है, इसको भी ध्यान से देखें आप लोग। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे 4G सर्च करेंगे। उसका ये आप देख रहे हैं सेकंड जो आपका ऐप आ रहा है, सेकंड है 4G LTE स्विचर, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उसे सिंपली आप इंस्टॉल करेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। पहले आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ्रेंड्स, इंस्टॉल होने के बाद तुरंत आप इसे ओपन मत करें, इसे मिनिमाइज़ करें। पहले ये देख लें कि आपका फ़ोन में डाटा ऑन है या नहीं है। पहले आपको अपने फ़ोन का डाटा ऑन रखना है। डाटा ऑन रहेगा उसके बाद आप अपने फ़ोन में एरोप्लेन मोड जाएंगे, फ्लाइट मोड पर जाएंगे और क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप लोगों को मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 4G स्विचर जो है उसको आप ऐप को ओपन करेंगे। ऐप हम ओपन करेंगे अब, और ध्यान रहे कि आपका फ़ोन फ्लाइट मोड लगाने से पहले डाटा ऑन होना ज़रूरी है। डाटा ऑन था, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग वही ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आप लोग मोबाइल रेडियो पावर को ऑन करेंगे, ये देख सकते हैं ऑन करते ही आपका डेटा ऑन हो चुका है। अब आपके पास कोई भी कॉल नहीं कर सकता, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकता है जब तक आप लोग फ्लाइट मोड नहीं हटाएंगे, और इसके बाद आप अपना नेट अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि आपका नेट के साथ प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, स्पीड चेक करके बताता हूँ। ये देखिए मेरे डेटा की स्पीड इतनी आ रही है, समथिंग 12-13 Mbps। इससे आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कि आपके फ़ोन का डेटा ऑन है, आपकी सिम वर्किंग में है और आप नेट यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आप लोगों को, ऐसी मज़ेदार ट्रिक मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो यार इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी मज़ेदार ट्रिक और भी आप लोगों को फ्यूचर में मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी ऐसी ट्रिक सीख पाएँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।